हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं ये दिखा रहा हूँ सुंदरनगर की झील के जो हाल थे, बहुत ही बुरे हाल थे। मैंने 3 महीने पहले भी वीडियो बनाया था कि इतना कूड़ा है इस झील में। लोग जितना भी झील के आसपास लोग खाते हैं, वो सारा गंद जो है यहीं फेंक के चले जाते हैं। तो मैंने पहले भी प्रशासन से और बीबीएमबी प्रशासन से, सुंदरनगर कमेटी से सबसे ये आगाह किया था कि यार कूड़ा मत यहाँ झील के पास, या तो डस्टबिन लगा दो। सर देख सकते हैं आप, आज जो संत निरंकारी मिशन के जो लोग यहाँ भाई लोग आए हुए, इन्होंने ये सफाई का बीड़ा उठाया है। ये सबसे सराहनीय काम है। और ऐसी संस्था जो हमारे देश में है, और सुंदरनगर जैसी जगह में भी ऐसे लोग रहते हैं कि देखिए कितना गंद जो सुंदरनगर में डाला हुआ है झील के आसपास। इतनी सुंदर झील है और इसको मतलब किन शब्दों में बताने के लायक नहीं हो कि इन्होंने इतना गंद डाला हुआ है। जो खा रहे हैं लोग खाते और यहीं फेंक के चले जाते हैं। कम से कम इतना तो पढ़े लिखे इंसान है यार, देखो आप, देखो पूरा झील में कितना गंद डाला हुआ है। तो हमें ये चीज़ सोचनी है, और प्रशासन को या तो यहाँ डस्टबिन लगा दो साइड साइड में जो पोल लगे हुए। तो प्रशासन से मेरी ये एक गुहार है कि जरूर यहाँ पे कोई डस्टबिन का प्रबंध किया जाए, ताकि लोग इतना तो समझ ले फिर कि कूड़ा यहाँ नहीं फेंकना बाहर। तो इतनी सुंदर झील है सुंदरनगर में, एक ही चीज़ है जो हमारे पूरे भारतवर्ष में जानी जाती है कि सुंदरनगर का नाम जो है इस झील की वजह से। इतनी सुंदर झील है, यहाँ लेके आए लोग बैठते हैं, लेकिन बैठने के बाद जो है अपना जो खाया पिया यहीं फेंक के चले जाए। तो मेरा सभी से यही विनम्र प्रार्थना है कि यार जो भी खाते हैं, कम से कम उसको कहीं अपने थैले में डाल दो, आगे आपको जहाँ डस्टबिन मिलता है उसमें फेंक दो। तो यहाँ तो नहीं फेंको, कम से कम हमारा हमें खुद बैठ, अगर कोई और भी आता है बाहर का, लोग भी आते हैं तो देखते होंगे, देखो ये सुंदरनगर है, स्वच्छ भारत का ये हाल है। तो ये कूड़ा जो है हम लोग और आप लोग ही डालते हैं, तो ऐसा ना करें। जितने पढ़े लिखे इंसान है कोई भी यहाँ झील के पास, तो सारे लोग बैठते हैं आते जाते, खासकर लड़के लड़कियाँ जब भी झील के आसपास कुछ चीज़ें खाती है तो वहाँ डस्टबिन में डाल दो। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? प्रेम सिंह दीवान। अच्छा सर, तो आज आपने जो ये कार्य कोई नहीं करता, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी है, लेकिन आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया ये तो बहुत ही सराहनीय है। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या जागरूक करना चाहते हैं, और आप बताना चाहते हैं कि गंदगी तो हम ही लोग ही डालते हैं, कोई बाहर से तो नहीं आता है, बाहर वाले भी आते हैं, इंसान ही है, कोई जानवर तो गंदगी नहीं डालता यहाँ। तो आप उसके बारे में कुछ संदेश देना चाहते हैं सर, वो बताइए आप। पहले तो स्वच्छ मन स्वच्छ जल जो है ये निरंकारी मिशन का एक स्लोगन नहीं है, ये काम है। ये सारी जनता के लिए, सब लोगों के लिए एक संदेश है कि जो गंदगी फैलाना है या पानी को गंदा करना है जिससे बीमारी फैलती हैं, इसको रोकना है। और सभी लोग जब इसमें जागरूक हो जाएंगे तो गंदगी से जो है वो निजात मिल जाएगी। यही सब के लिए जो है इसी संदेश को दे के निरंकारी मिशन की तरफ से आज पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पे ये सफाई अभियान चला हुआ है। धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत। और बाकी सभी वॉलंटियर को भी यही धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से भी, और सब लोगों की तरफ से, कि झील में कोई भी कूड़ा या कचरा ना डाले, और जो भी खाए अपना डस्टबिन में कूड़ा डाले यहाँ से उठा के। तो बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं हमारे ये जितने भाई लोग हैं, तो धन्यवाद सबका। अब मैं आपको सारी झील की जो आज सफाई हुई है वो चीज़ देखने लायक है, नहीं तो पहले तो यहाँ इतना कचरा होता था कि आप कोई यहाँ खड़ा नहीं हो सकता है। मतलब ये देखो, सामने देख सकते हैं आप झील का जो नज़ारा है, बिल्कुल सफाई है, बिल्कुल एक भी कचरा नहीं आपको दिखाई देगा, कोई भी कूड़ा नज़र नहीं आ रहा है। तो ये इन लोगों की मेहरबानी से जो है ये पूरा सफाई अभियान हुआ है। तो मेरा सभी सुंदर नगर वासियों से और बाहर से जो भी लोग आते हैं उन सभी से यही निवेदन है कि कोई झील के आसपास कोई कुछ खाता है तो वो जो भी आपके कूड़ा होता है उसको अपने बैग में थैले में डाल के जो है उसको घर जाके अपने डस्टबिन में फेंक सकते हैं, या जहाँ भी डस्टबिन लगे हुए हैं उसमें आप फेंक सकते। तो आज का जो नज़ारा है, और 2 महीने पहले का नज़ारा जो था, 2 महीने पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसको देख के तो शर्म आती थी, लेकिन आज देख सकते हैं आप कितना सुंदर इन लोगों ने पूरी झील को साफ कर दिया। ये देखिए, अभी भी देखिए कितना अच्छा तरीके से ये सफाई अभियान चला हुआ इनका। तो सलूट करना चाहिए ऐसे लोगों को और ऐसी संस्था को। जय हिंद, जय भारत।